हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम, तो मैं यहाँ पे नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ, सारे काम भी कर चुकी हूँ मैं। तो इसके बाद मैं सोची कि अब लग जाते हैं अपने कामों पर। तो आज मैं रोज़ा भी हूँ, तो यहाँ पे मैं सिरनी बना रही हूँ मुहर्रम का। तो हम लोग मुहर्रम में मलीदा बनाते हैं, तो वही मैं यहाँ पे गरी काट रही हूँ मलीदा के लिए। और इधर मैं मूंगफली को भी भून ले रही हूँ, तो इसको भी मैं भून के और इसका छिलका उतार के और दो दो भाग में इसको कर लूँगी। और इधर घी गरम कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आटा लगा चुकी हूँ मलीदा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर रोटी बना लूँगी पतली पतली। इसके बाद इसको ना ज़्यादा पतली बनाऊँगी रोटी को और ना ज़्यादा मोटी बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा घी लगा के। यहाँ पे देखिए बना ले रही हूँ मैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करके टुकड़ा करके और मिक्सर जार में मैं इसको चला लूँगी। मेरा मलीदा इधर हो चुका है बन के रेडी। तो इधर मैं इलायची को अच्छे से खोल के और उसके दाने को मैं पीस लूँगी। इसके बाद मैं मलीदा में मिक्स करूँगी। तो थोड़ा सा इलायची डाल देने से अच्छा फ्लेवर आता है मलीदा का। तो यहाँ पे मैं पीस ले रही हूँ। इसके बाद ये देखिए मैं घी गरम कर रही हूँ, तो मैं घी में ही डाल दूँगी इलायची को और फिर इन सबको मैं डाल दूँगी मलीदा में। इसके बाद अच्छे से पूरा मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी को डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लूँगी। और इधर जो मूंगफली था वो डाल दी मैं और जो गरी था वो डाल दी, और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी और मेरा मलीदा हो गया रेडी। तो मैं इसे किनारे रख दी हूँ ढक के, क्योंकि अभी रोज़ा खोलने के बाद ही हाफिज़ जी आएंगे, तो फातिहा दिलाऊंगी। और इधर फिर मैं बनाने लगी अपना इफ्तारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का स्टफिंग, क्योंकि मैं बनाऊंगी आलू चाप। तो स्टफिंग बना के मैं किनारे रख दी। इसके बाद मैं इधर ले आए थे मेरे हस्बैंड चिकन, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन बिरयानी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे प्याज के साथ अच्छे से चिकन को फ्राई कर ले रही हूँ। तो मैं चिकन को फ्राई करके ही बिरयानी में यूज करती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली डालती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा सेंट अलग टाइप का आ जाता है, इसीलिए मैं फ्राई करके ही डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ्राई हो ही चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया है, वैसे हो ही गया है। और इधर फिर मैं कुकर रख दी हूँ और ये सारे खड़े गरम मसाले हैं। तो मेरा ऑयल गरम हो गया था, तो मैं इसमें डाली हूँ खड़े गरम मसाले। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, और प्याज मेरा जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो मैं इसमें डाल दी थी मसाला। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया है एडिटिंग करने में, ये वाला पार्ट मेरे को लास्ट में ले जाना चाहिए था जहाँ पे फाइनल लुक है उससे पहले। तो मेरा इधर ही मैं इसको एडिट कर डाली हूँ, तो उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए भुना गया था मसाला, इसके बाद ये पानी डाली हूँ मैं। इसके बाद मेरे को डालना था वो चावल वाला भाग, तो मैं पहले डाली, तो आप सब मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए बन के हो चुका है रेडी मेरा बिरयानी, और सच में बता रही हूँ बहुत यम्मी बना था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था बिरयानी। तो इधर मेरा सारा कुछ बन चुका है, ये देखिए इधर आलू चाप भी बन गया है मेरा, और इधर बिरयानी भी रेडी हो गया है, इधर चटनी भी मैं पीस के रख ली हूँ। तो इफ्तार के लिए मेरा सारा कुछ रेडी हो गया है, ये है बिरयानी का फाइनल लुक, देखिए बहुत यम्मी बना था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और ये है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे मैं रोज़ा थी, मतलब दो दिन रोज़ा थी मैं, नौवें दिन मुहर्रम के और दसवें दिन। तो ये दसवें दिन का क्लिप है, वीडियो है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने तीन दिन में बनाया है ये वीडियो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिकन कल ही। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ देखिए इफ्तारी। तो आज बना रही हूँ मैं इफ्तारी में, ये है चिकन स्टू, और यहाँ पे चावल बनाऊँगी बॉयल चावल, और रोटी बनाऊँगी अभी,
और आज ऐसा कुछ फ्राई वाली चीज़ें नहीं बनाऊंगी घर पे, तो आज मार्केट से ले आएंगे समोसा वगैरह रोज़ा खोलने के लिए। तो यही सब कुछ बन रहा है मेरे किचन में, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं इफ्तारी निकाल चुकी हूँ। तो कल वाली मेरी आलू चाप बची हुई थी तो उसे मैं गरम कर ली हूँ, और समोसा ले आए थे मेरे हस्बैंड और मीठा ले आए थे, तो सारा कुछ मैं निकाल ली हूँ। इसके बाद अभी हो गया है सेकेंड डे, तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो मेरे पड़ोसी लोग जा रहे थे राखी उखी ख़रीदने के लिए, तो बोले चलिए आप भी साथ में, तो चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए राखी की रक्षाबंधन के लिए राखी का कितना रौनक लगा हुआ है, मार्केट में बहुत भीड़ भाड़ थी और बहुत सारा राखी का दुकान लगा हुआ था, मिठाई का दुकान लगा हुआ था, तो ये सब खरीद रहे हैं। तो हम लोगों का मुहर्रम इस तरह से गुजरा, आप सब कमेंट करके बताइएगा आप सबका मुहर्रम कैसा गया। और पिछले साल मैं अपने घर में थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोगों के साथ थी, अपनों के साथ त्यौहार की बात ही अलग हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सोच हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पे और मैं ज़्यादा कुछ खरीदी नहीं, बस यही कलेचर और ये एक बीबी क्रीम ले आई हूँ और बाकी कुछ खरीदी नहीं मैं ज़्यादा। इसके बाद फिर जल्दी से ही आ गए हैं घर पे, तो अभी जा रही हूँ, मेरे को खाना भी बनाना है और टाइम हो गया है 8:30 बजे का, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है 8:30 का, तो मैं चल रही हूँ अब खाना बनाऊँगी। पहले ये अपना कपड़े चेंज करूँगी, इसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो सब्जी तो रखी हुई है, फिर सिर्फ रोटी बना लूँगी। तो चलिए फिर